अब क्यों नहीं कर रहे आप होस्टिंग? क्या कोई नहीं, कोचिंग कोई मैं कोई कबूलता नहीं, नहीं है इस बात को कि इस तरह का जो है इरिटेटिंग सा, इरिटेटिंग नहीं मैं, मेरा ख्याल है चैनल्स वाले शायद डरते हैं कि यार इस तरह के प्रोग्राम में कोई गेस्ट नहीं आएगा, इसके सामने कोई बैठ नहीं सकता, क्योंकि ये इस तरह के मुश्किल सवाल पूछता है जो कि गेस्ट बर्दाश्त नहीं करती है, गेस्ट जवाब नहीं देना, शायद शायद चैनल इस तरह से डरते हैं, शायद इसलिए नहीं मुझे कोई शो वगैरह मिल रहा। मगर मैं अपने यूट्यूब पे कर रहा हूँ, कभी कभार इंटरव्यू कर लेता हूँ, या कभी कभार कोई इवेंट हो, यानी डिफरेंट चीज़ें वगैरह कर लेता हूँ, मगर मेरा मेन फोकस आजकल अपनी फिल्म पे ही है। मैं आता हूँ फिल्म पे, फिल्म पे तो हाँ पूरा ठीक है मैंने जो ठीक है है, वो आपसे पूछना है। आ जाते आ जाते। अभी पहले, उससे पहले क्या करना चाह रहे उससे थे? पहले मैं हाँ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका कुछ फेवरेट प्रोग्राम जो कौन किस गेस्ट के साथ है, इतने आपने किए ना तो आपको जिसके साथ यार मुझे आज बड़ा मजा आया, ये कमाल शख्सियत थी, कमाल कंटेंट निकल आया, वो कौन था? हाँ 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 जो मुझे वैसे काफ़ी हैं प्रोग्राम जो खुद मुझे को देखा ना कभी आपने, मज़ा आया। क्या खुद को देखा कभी आपने टीवी में? यार, कोशिश लाफ्टर करता हूँ। मैं हाँ, आया। खुद भी ऐसे बहुत कम, मगर कभी कभार ना देख ही लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक। हाँ वो क्या कहते हैं, अच्छा सवाल आपका। सवाल मेरा ये था किसके साथ हाँ बड़ा अच्छा सबसे सवाल, बड़ा अच्छा सवाल, जो पिछला बिल्कुल। था। हाँ अच्छा, होशीन शाह एक्ट्रेस हैं, उनके साथ बड़ा मज़ा आया था। ठीक है। फिर मेरे ना शाज़िया मंजूर के साथ, ठीक है, उनके साथ बड़ा मज़ा आया। जो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, ठीक है, कॉमेडियंस में, वो है केसर पिया साहब, उनकी कॉमेडी मुझे अच्छा। बड़ी बड़ा एंजॉय करता हूँ। फिर ये जो है सजाद जानी साहब, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हर दफ़ा ये डिफरेंट कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, इनके साथ बड़ा मज़ा आता है। फिर आगा माजे साहब, वो बड़े ज़बरदस्त हैं, ठीक है। और भी कुछ हैं ना? बताए ना, बताए ना, नाम हाँ लेने से क्यों झिझकते हैं आप? हाँ अब तो हाँ तारीफ कर रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। कॉमेडियंस में भी हैं कुछ ऐसे, जिस तरह सखावनदास भी अच्छे हैं, फिर ये जफरी खान साहब भी अच्छे हैं। हाँ, और उनके अलावा रूबीएनम, उनके साथ बड़ा मज़ा आता है। ओ रूबीएनम जब गुस्सा करती हैं ना, उफ, अच्छा, लोग भी बड़ा एंजॉय करते सही हैं। वाला। हाँ हाँ उन्हें इतनी, टुट पैणिया। हाँ उफ कमाल, क्योंकि फीमेल कॉमेडियंस में रूबीएनम तो नंबर वन है, उनका तो कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा ये टाइम कभी कोई हाथापाई की नौबत आई कि गेस्ट इतना अनुआय हो गया कि उसने आया पकड़ लिया आपको, यार मतलब क्या कर रहे हो, मारने की कोशिश की हो? जो मुझे फील हुआ था ना कि यार हाथापाई या फिर झगड़े तक बात पहुंच जाएगी, वो ना नुमान जावेद साहब के साथ, मुझे लगा था कि यार उन्हें रियल में गुस्सा आ रहा है और कोई ना कोई मसला हो जाना है। हाँ वो मुझे डर लगा था। बाकी हाँ वो भोला रिकॉर्ड, उसे बड़ा गुस्सा अच्छा चढ़ गया था। हाँ उसे अच्छा मैंने बड़ा तंग किया। हाँ हाँ उसके एआरवाई हुआ था। पे, नहीं, मेरे ये प्रोग्राम पे, एक दफ़ा उसमें यूट्यूब, यूट्यूब पे। अच्छा यूट्यूब पे तो क्या कह दिया आपने उसको? भोला रिकॉर्ड, मैंने बड़ा वही उस पे छेड़ा और तंग किया, और गंजे मोटे सब कुछ हर चीज़ उसे, तो मैंने खूब 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 तंग किया फिल था। बदी होता है, तैयारी करके आते हैं गेस्ट के हिसाब से, ये क्या हाँ करते हैं? हाँ क्वेश्चन जो है ना, वो मैं पूरा रिसर्च करके, मैं खुद ही रिसर्च करता हूँ, और क्वेश्चंस हमेशा मैं खुद ही बनाता हूँ सारे क्वेश्चंस, क्योंकि गेस्ट के आने से पहले, ठीक है, मैं कुछ दिन लगा कर पूरी उनकी पिछली वीडियोस देख कर, उनको पूरा रिसर्च करके ना क्वेश्चंस तैयार करता हूँ, फिर ना मैं इंटरव्यू करता हूँ।